धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या फिल्म है, इंग्लिश फीचर फिल्म लिखा हुआ है? या ये इंग्लिश फीचर फिल्म है और हमारी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो इनके हैं इस फिल्म से, एक्सिक्यूटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर जो हैं वो यूएसए से हैं। सो इंग्लिश फीचर फिल्म उन्होंने इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में हम लोग बनाएंगे इंडियन आर्टिस्ट को लेकर। क्या है पिक्चर, किस बारे में है? अच्छी दिखा थी कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड चलता है, जो जिसके लिए लोग लालायित होते हैं कि अगर ग्रीन कार्ड मिल जाए तो लाइफ सक्सेस हो जाती है, लोग ऐसे करते हैं। उसकी चोरी पर कहानी आधारित है कि किस तरह से ग्रीन कार्ड को लोग चोरी करके अचीव करके आगे बढ़ता है, इस तरह से कहानी आधारित है। और हमने आया, मैं यहाँ पर आया, प्लानिंग हुई हमारी, शेयरिंग किया मैंने, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट के ऋषभ भारद्वाज मेरे मित्र हैं, भाई हैं और ऑलरेडी काम करने लगा था, तो मैंने बोला चलो मिलकर इस प्रोजेक्ट को करते हैं। मेरा नाम ऋषभ भारद्वाज हुआ और मैं एज एक्टर फिल्म मेकर यहाँ काम करता हूँ। सौरभ भाई हमारे क्षेत्र यानी बिहार से बिलोंग करते हैं और हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हम लोग साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करें और हमें अवसर मिला है, ईश्वर की कृपा है, और हम लोग करने जा रहे हैं जिस फिल्म का नाम है ग्रीन कार्ड। जिस फिल्म में सौरभ भाई ने कास्ट के तौर पे प्रियंका चोपड़ा को सोचा है, साथ में अर्जुन रामपाल को सोचा है, और उसमें अर्जुन रामपाल जी के फ्रेंड का एक कैरेक्टर है जिसके लिए इन्होंने मुझे सोचा है, तो एक डायरेक्टर की सोच है और मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सौरभ भाई ने इस लेवल पर मुझे सोचा। और जैसा कि मैंने पिछले काफ़ी सालों से बहुत सीखा है, इन्होंने लगा कि एक क्रिएटिव पार्ट ये मुझे दे सकते हैं, तो एज अ क्रिएटिव उन्होंने बोला कि इस फिल्म में एज अ क्रिएटिव हेड आप काम करेंगे, जितने भी क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर आपकी नज़र रहेगी और उसे आप कंट्रोल करेंगे। और इस तरह से उन्होंने एक मौका दिया तो मैंने सोचा कि बिल्कुल मैं, हम लोग साथ मिलते हैं और करते हैं। और बाकी मेरी शुभकामनाएँ सौरभ भाई के साथ। जी ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार हैं, जो हमारी टीम है, इतनी बड़ी टीम आई है, सबके आभारी हैं, सब लोग मेहनत करके इस चीज़ को सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं। आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? मैं संदीप बस भाई को जानता हूँ, वही मेरा परिचय है, बाकी मैं फिल्म से उतना ही वाकिफ हूँ जितना आप हैं, जो कि बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरी टीम को, जो ऑलरेडी हैं, जो आने वाले हैं, हुएवर इज वर्किंग, गॉड ब्लेस देम, और प्रोजेक्ट बन के निकल जाए, बस वही सब कुछ लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। जी मेरा शुभ नाम रावरण विजय हुआ, मैं बतौर अभिनेता पिछले 8 वर्षों से मुंबई में हूँ, काम कर रहा हूँ। सौरभ जी, इस फिल्म से अभी तक तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है 2 दिन पहले सौरभ ने मुझे बताया कि मैं मुंबई आ रहा हूँ एक प्रोजेक्ट को लेकर के। मैं भी अपने शूट में बिज़ी था, बहुत मुश्किल से समय निकाल करके इस कार्यक्रम के लिए आया हूँ यहाँ पे, वेल विशिंग के लिए कि भाई एक नौजवान लड़का, अगर सबसे अच्छी बात है कि सोच तो बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ा, ड्रीम बिग होना चाहिए। तो सौरभ जो है, जिस उम्र में, मैंने जैसे स्टेज से भी बोला था कि इस उम्र में, जिस उम्र में अपना सौरभ है, मैक्सिमम मुंबई में आपको फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स ही दिखते हैं, लेकिन इस उम्र का एक लड़का जो बहुत बड़े लेवल पर कुछ करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि एज अ फ्रेंड, एज एन ऑडियंस, हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप आगे बढ़ो, आप बढ़ोगे 200, 400, 600 लोगों को काम मिलेगा उसमें। तो खुशी की बात है कि आज इसका मुहूर्त हुआ है, एक कोशिश जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी, आज एक इसका नींव रखी गई है, तो यह नींव जल्द ही ऐसा है कि एक मुकाम बने और यह फिल्म शूट पर पहुँचे। और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं भारद्वाज जी के, एक टैलेंटेड डायरेक्टर है और इनकी प्रोफाइल आज हम मिले पहली बार, लेकिन इनका काम देखा तो एक बहुत अच्छा काम है, तो कोशिश ये कि नया काम करे, एक नया कोशिश करे तो उस मुकाम तक पहुंचे। और हॉलीवुड की एक फिल्म करना, इंग्लिश फिल्म करना, एक बहुत बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात है, और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ तो मैं भी बहुत खुशी इस बात की। और क्रिस्टनी मैम जो हैं वो कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क से हैं और एक समाज सेविका भी हैं बहुत, और काफ़ी टाइम से वो हर वीरवार को एक सामाजिक कार्य करती है फ्री, यानी कि हर घर का सामान, गरीब ज़रूरतमंदों को वो सामान एक वितरित करती है, और एक बहुत अच्छा है उनका एक नाम है, मुकाम है, गरीब ज़रूरतमंदों की वो हेल्प करती रहती है, हॉस्पिटलाइज है, लोगों की मदद करती है, घर घर में जा कर के वो उनकी मदद करती है। तो इससे दिल से मैं उसको, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक बहन की तरह मानता हूँ, मुझे भी अपना छोटा भाई मानती हैं, और छोटे भाई सौरभ भी भाई की तरह ही हैं, तो मेरा यही एक दिल से है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी सिरे चढ़े। मैं फर्स्टली इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, अंजलि बनर्जी हैं, एज एन एक्ट्रेस काम कर रही है मार्केट में, और मेरी अच्छी मित्र में से एक हैं,
तो हमने इस फिल्म का जैसे मेरे पास आया तो हमने इनको प्रपोज किया, अप्रोच किया इस फिल्म को लेकर कि आप अपने पास एक फिल्म आई है इसको साथ में मिलकर करते हैं, अच्छा कैरेक्टर इस फिल्म में, और जैसे ही शुरुआत होती है सब हम लोग प्री प्रोडक्शन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो एक अच्छा सा किरदार इनका है, वाइफ का कैरेक्टर है, और मुझे उम्मीद है कि बखूबी निभाएंगी। जी मेरा नाम अंजलि बैनर्जी है और अभी तीन साल चार साल हो गया एक्चुअली इंडस्ट्री में, और कुछ डेली सोप्स किए हैं मैंने, वेब सीरीज़ वगैरह किए हैं, अच्छे प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स किए हैं, कॉमेडी शो मेरा काफ़ी फेमस रहा है, खटमलेश, बीवी के नखरे फॉर सब टीवी, और वेब सीरीज़ जैसे एक थी बेगम पार्ट वन में निशा का कैरेक्टर था, काफ़ी पसंद किया है लोगों ने, और ये जो फिल्म जो करने वाले हैं हम ग्रीन कार्ड, तो इंटरनेशनल मूवी है ऑब्वियसली, और इंग्लिश लैंग्वेज इसका इंग्लिश है, तो सौरभ जी ने जब मुझे, मेरे अच्छे दोस्त हैं काफ़ी टाइम से जानते हैं उनको, तो इन्होंने जब ये प्रोजेक्ट के लिए बोला तो मैंने बोला कि हाँ कुछ मतलब हिंदी तो ऑब्वियसली मैंने अभी कहा सभी बनाते हैं, बट कुछ लोग ही हैं जो इंग्लिश मूवीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये और भी जो अपने इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें भी ये डब किया जाएगा मूवी, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब लोग देख सके ऐसी कोई मूवी, और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिफरेंट है, तो मुझे पसंद आया, कुछ नया करने का, और ब्लेसिंग्स रही, गॉड विशेस रहा, तो ये कुछ नया होगा मार्केट, और सबसे मेन बात है कि सर जो है डायरेक्टर हमारे, ये बहुत मेहनती है मतलब एक छोटे से शहर से फिर यहाँ मुंबई तक का सफ़र, और अभी ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे मूवी बना रहे हैं, तो इट्स अ बिग थिंग। मेरा कैरेक्टर है, वाइफ का कैरेक्टर है जो इन्होंने मुझे बताया था, ज़्यादा कुछ रिवील तो नहीं कर सकती, बट ये है कि बहुत मतलब एक मुझे बहुत सारे मूड्स इसमें मिलेंगे मतलब प्ले करने के लिए।